हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो हम सभी लोग जा रहे हैं, गज्जू के स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि गज्जू के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो आज गज्जू का रिजल्ट निकलना है। तो आज है, डेट मैं आप लोग को बता देती हूँ, 5 तारीख है आज, 5 मार्च। तो मतलब 19 तारीख के बाद अब डायरेक्ट मैं जो है ब्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मैं नहीं ब्लॉग बना पा रही थी। तो डायरेक्ट आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। उसके बाद तो बस हम लोग जा रहे हैं गज्जू के स्कूल। तो ये सुबह का एकदम टाइमिंग है और फिर गज्जू का रिजल्ट निकलेगा। गज्जू चली जाएगी मेरी फर्स्ट क्लास में। तो चलिए स्कूल पहुँचते हैं और वहाँ का थोड़ा बहुत अगर मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाए तो ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग देखते रहिए। प्राइमरी टीचर है। वैष्णवी की मम्मी, वो देखो वैष्णवी की मम्मी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस देखिए, मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ और कान्हा को भी मैंने उठा दिया है, दूध का भोग वगैरह लगा दिया है। पर कान्हा का भी स्नान करके श्रृंगार करना भी बाकी है, और हस्बैंड गए हैं अभी नहाने के लिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे भोले बाबा के मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो मंदिर में ज़रूर जाऊंगी। पिछले व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल का, कि मैं शिवरात्रि में गई थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आज भी मैं ज़रूर जाऊँगी, इसलिए जिससे मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। काम तो अभी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी बहुत काम घर का बाकी है, क्योंकि बज गया है 8 और झाँक रहे हो बज गया है 8 और 8 के मतलब 8 से ऊपर ही हो गया है। निकलते निकलते हम लोग को 8:30 हो ही जाएगा, क्योंकि हस्बैंड अभी नहाने गए, देखिए अभी झाँक के गए, अब नहाने जा रहे हैं वो। तो बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चों को लेके मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को क्या उठाओ, फिर इन लोगों को भी तैयार करो, लेके जाओ तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बस, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा मंदिर में होगी, तो उसी वजह से हम लोग बच्चों को लेके नहीं जा रहे। जब तक ये लोग सोएंगे तब तक हम लोग फटाफट दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं आके घर के काम निपटाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही, सुबह सुबह इतनी जल्दी घर के काम तो नहीं निपट सकते हैं। तो बस थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी बहुत काम बाकी है। फिर उसके बाद आज मेरा फास्ट भी है, तो जब मैं आऊँगी तो फिर अपने लिए क्या, बस चाय और फल वगैरह मैं खाऊँगी आज, बाकी हस्बैंड और बच्चों के लिए तो मुझे खाना बनाना ही है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो यहाँ पर मंदिर ले जाने के लिए मैंने अक्षत, मिश्री और चंदन का तिलक, फल वगैरह और दिया, माचिस, धूप बत्ती, ये सब मैंने रख लिया है इस पॉलीथीन में, क्योंकि मंदिर में जाऊंगी तो चढ़ाऊंगी। और फूल माला, बेलपत्र वगैरह वहीं मंदिर के पास सामने ही बिकता रहता है, तो वहीं पे मैं खरीद लूँगी। तो चलिए हस्बैंड नहा के आते हैं, तो वही फटाफट तैयार होंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। और जब मैं मंदिर में जाऊँगी तो आप लोग को भी वहाँ कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कुछ वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी, मैं अभी पक्का नहीं कह सकती। तो बस मैंने देखी यही साड़ी पहना है, एकदम हल्की फुल्की, क्योंकि थोड़ा सा आराम रहता है हल्की साड़ी में। तो बस मैं तो एकदम रेडी हो गई हूँ, तो चलिए अपने कान्हा के भी दर्शन करा देती हूँ। बस पति देव का इंतजार है, वो भी नहा के आ जाए, फिर उसके बाद
फिर हम लोग फटाफट निकलेंगे। और बच्चों को हम लोग ने अभी बताया नहीं, हम लोगों ने जगाया ही नहीं है, बस हम लोग फटाफट दर्शन करके आ जाएंगे, फिर हम लोग बच्चों को जगाएंगे। तो चलिए अपने कान्हा के मैं आप लोग को दर्शन करा देती हूँ। देखिए मेरे कान्हा के दर्शन कर लीजिए, पूजा मेरी हो गई है, घर पे जो पूजा होती है वो हो गई है। अपने कान्हा को मैंने दूध का भोग भी लगा दिया है, बस अब मैं वहाँ से आऊँगी तो अपने कान्हों को भी स्नान करा के इनका श्रृंगार करूँगी और फिर अपने लालों को भी फिर कुछ भोग लगाऊँगी फ्रूट्स का। तो ये देखिए, तो चलिए बस हस्बैंड आ जाए नहा के, फिर हम लोग निकलते हैं और फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए मेरे कान्हा के साथ आप लोग एक बार फिर से बोल दीजिए राधे राधे। व्रत मिलेगा मंदिर के पास के नहीं? पता नहीं, चलो यार मिलेगा। मैं ले आऊंगा जाके, यहाँ तो नहीं है, लाना पड़ेगा फूल जाके। नहीं मिल रहा क्या? कहाँ से नहीं लग रहा, बेल पत्ते तो रहा है शायद, आगे बैठी है। हाँ बैठी हूँ, मालिम होता है।
हम लोग देखिए मंदिर से दर्शन करके आ गए, और फिर आके मैंने हस्बैंड के लिए चाय भी बना दिया है। मैंने अभी अपने लिए चाय नहीं बनाई क्योंकि मुझे अभी कान्हा का श्रृंगार करना है, तो मैं जा रही हूँ अपने लाला का स्नान करा के फिर उनका श्रृंगार कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और कुछ फ्रूट्स वगैरह फिर मैं बाद में खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी उड़ गए हैं, ये देखिए दोनों बच्चे भी उड़ गए हैं, जैसे हम लोग आए थोड़ी देर बाद बच्चे उड़ गए हैं, तो बस इन लोग को भी नाश्ता देना है। तो फिलहाल तो अभी तो मैंने सिर्फ देखिए देखिए हस्बैंड के लिए एक कप चाय बनाया है और ये नमकीन और बिस्किट उनको दे दिया है, क्योंकि उनका तो फास्ट है नहीं, तो इसलिए मैंने उनके लिए सिर्फ चाय बना दिया हस्बैंड के लिए। अब मैं जरा अपने कान्हा का श्रृंगार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कान्हा का श्रृंगार कर लिया है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कान्हा आज कैसे लग रहे हैं, और एक बार सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। तो बस श्रृंगार भी हो गया है, इनकी आरती भी मैंने कर ली कान्हा की, तो अब मैं लगाऊंगी अपने कान्हा को फ्रूट्स का भोग। तो चलिए अपने कान्हा को मैं भोग लगा देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कान्हा को फ्रूट्स का भोग लगा दिया है, तो बस ये अब मैं 10 मिनट तो यहाँ पे रखूंगी, उसके बाद मैं भोग उठा लूंगी। तो चलिए लगा देते मंदिर का पर्दा, मेरे कान्हा आराम से अपना भोग ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ दाल चावल, और कान्हा को मैंने दाल चावल का भोग लगा दिया है। तो कान्हा को भोग लगाने के बाद मैं अब आई हूँ दाल छौंकने के लिए। तो इसमें मैंने लिए टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी धनिया डाली है, डाल दूँगी दाल। और हस्बैंड और बच्चों का भी खाना निकाल दूंगी। यहाँ पे देखिए संध्या आरती पूजा मेरी हो गई है, अब मैं आ गई यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ नींबू वाली चाय बना रही हूँ, दूध वाली चाय नहीं बना रही। तो इसमें मैंने डाला एकदम जरा सी चुटकी भर चाय पत्ती सिर्फ कलर के लिए, और फिर काली मिर्च और लौंग कूट के डाला है, और चीनी डाला है। तो जब ये अच्छे से पक जाएगी, खोल जाएगी ना, तब मैं नींबू डालूंगी, तो ये चाय बहुत अच्छी लगती है। तो हस्बैंड का इस समय नींबू वाली चाय पीने का मन था, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने नींबू वाली चाय ही इस टाइम बना रही, दूध वाली नहीं बना रही। और यहाँ पे देखिए अभी ये बर्तन मुझे स्टैंड पे सजाना है, और अभी दिन के बर्तन बेसिन में पड़े हैं तो उनको मांजना है। तो चलिए चाय मैं पी लूँगी, तब फटाफट करूँगी, और चेहरे पर अंधेरा आ रहा है क्योंकि लाइट गया हुआ है। तो चलिए चाय देखिए बढ़िया से खोल रही है, मैं इसको छान लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैंने चाय छान लिया, क्योंकि मेरा व्रत है तो मैं गिलास में पीऊँगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें नींबू का रस। ये चाय जो है नुकसान भी नहीं करती, बहुत फ़ायदा करती है पेट के लिए, और स्वाद में भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हस्बैंड देखिए अभी मार्केट गए थे, तो मैंने अपने कान्हा के लिए दूध वाली बर्फ़ी मंगा लिया है। तो चलिए मैं अपने कान्हा को भोग लगा देती हूँ, और बर्फ़ी में मैंने देखिए तुलसी का पत्ता भी डाल लिया है। तो चलिए अपने लाला को भोग लगा देती हूँ, फिर खाने में लगती हूँ। देखिए मैंने अपने कान्हा को भोग लगा दिया है, और दूध का भोग भी लगा दिया है। तो चलिए अपने कान्हा को मैं सुलाने की तैयारी करती हूँ। तो इनका जो है पहले पोशाक और जो ज्वेलरी वगैरह मैं उतारती हूँ धीरे धीरे, उसके बाद अपने कानों को नाइट सूट पहनाऊंगी और सुलाऊंगी। तो चलिए मैं उतार लेती हूँ, कानों को नाइट सूट पहना देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कान्हा का पोशाक उतार दिया, ज्वेलरी उतार दिया और पहना दिया नाइट सूट। तो बस अपने कानों को मैं उड़ाऊंगी कंबल और उनको सुलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपने कानों को मैंने कंबल उड़ा के मच्छरदानी बंद कर दिया है। अब लगा दूंगी मैं मंदिर का पर्दा, अपने कानों को मैं सोने दूंगी। यहाँ पे देखिए मैं अपने कानों को मैंने सुला दिया है और लगा दिया मंदिर का पर्दा, और इधर बच्चे भी खाना खा रहे हैं और हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं। तो और मेरा तो व्रत है तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, चाय वाय मैंने पी लिया था, और फिर जो हस्बैंड बर्फ़ी लाए थे अपने कानों को भोग लगे वही मैंने बर्फ़ी खा लिया था, पानी पी लिया है। अब करेंगे हम लोग सोने की तैयारी, और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे, राधे।